नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, टॉपिक से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बताने जा रही हूँ। तो इस टेक्निक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप चीज़ों को, अपनी ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका ड्रीम बहुत जल्दी कंप्लीट हो और वो चीज़ आपको दिखे भी। ये वीडियो बनानी मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो ये पावरफुल टेक्निक है, तो ये आप लोगों तक बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि वो क्ली मंत्र का जाप इतने टाइम से कर रहे हैं, फिर भी उनकी ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो क्यों? तो इस बारे में मैं सबसे पहले आपको कहना चाहती कि आपको मैंने काफ़ी वीडियो में पीछे भी बोला है कि क्ली मंत्र जो है वो पॉजिटिविटी के साथ साथ अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। सो आपकी ड्रीम कंप्लीट ना होने की वजह आपकी ये नेगेटिव सोच भी हो सकती है कि आप अच्छे कार्य को करने के लिए एक समय सीमा बांध रहे हैं और उसके लिए जाप कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स भी चलते रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्ली मंत्र जो है वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत अच्छे से काम करता है और वो उन लोगों के लिए ही काम करता है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, चलिए आप एक बात बताइए कि आप आईज क्लोज कीजिए और खुद में सोचिए कि आप किस तरीके के लोगों के साथ मिलना, बैठना, बातें करना पसंद किया करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप किन से बात करेंगे? जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप उनसे मिलना पसंद करेंगे या आप उन लोगों से मिलना पसंद करेंगे जो कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स के साथ रहते हैं, उदास रहते हैं और जब आप मिलते हैं तो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, आप हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जो लोग रहते हैं उनसे मिलना पसंद करेंगे। उसी तरीके से गाइज, ये सारी चीजें जो आप क्लीम मंत्र का जाप कर रहे हो, सबसे पहले आप खुद को पॉजिटिव रखो। क्लीम मंत्र जो है एक मैग्नेटिक पावर है, इसका मतलब समझो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। क्लीम मंत्र भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। वो कैसे अट्रैक्ट करता है चीजें आपके लिए? क्योंकि उसके पीछे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तो हमें करना क्या है, हम खुश रहेंगे तभी खुशियां हमें चारों ओर दिखेंगी और हम उन सब खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें गैदर करके अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए, ये हुई वो सारे कमेंट्स को लेकर के बातें। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मैं वो आपको बता रही थी कि टेक्निक क्या है, जिस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो टेक्निक है राइट योर विश। करना आपको बस यही है, आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जिसको आप यूजुअली मैनिफेस्ट करते हो या विजुअलाइज कर रहे हो किसी भी चीज को पाने के लिए, उसको आप लिख लो। और लिखो भी कैसे, प्रेजेंट टेंस में लिख। मैं कार ले चुकी हूँ, मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। मतलब जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी ड्रीम्स जो है वो कोई भी 5 ड्रीम्स आप लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है, जब आप उसे लिखते हैं तो आप हमेशा लिखते वक्त अपने दिमाग में उस चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, दिल में इस चीज को बिठाना होता है कि जो मैं ड्रीम कर रही हूँ वो चीज मेरी कंप्लीट हो गई है, वो ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया है। हमें ये चीज अपने माइंड में, अपने दिल में, सब जगह हमें बिठाना होता है। तो जब भी हम किसी चीज को लिख रहे होते हैं, अपने ध्यान से लिख रहे होते हैं, अपने मन से लिख रहे होते हैं, तो हमारे मन में तो वो बात चल ही रही होती है, हमारा दिमाग भी उस चीज को ट्रेन कर रहा हो, ठीक है, अपने अंदर रिवाइंड कर रहा होता है। तो किसी भी 5 ड्रीम को जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं उससे लिख लें सबसे पहली चीज। उसके बाद जैसे मैंने आपको टाइम बताया कि आप जिस समय भी मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हैं या विजुअलाइज करने बैठ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट ये 5 विशेष जो आपने पेपर पे लिखे हैं, उस 5 चीज को एवरी डे लगातार क्लीम मंत्र के जाप से पहले जितनी बार उसे रीड कर सकते हैं उसे ध्यान लगाकर उसे रीड करेंगे। रीड करते वक्त उसे विजुअलाइज करेंगे
कि आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है और आपकी लाइफ कितनी क्लासिक हो गई है। इट्स रियली गाइज, ये टेक्निक बिल्कुल वर्क करता है और जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, आप खुद में देखोगे आपका दिल और दिमाग दोनों चीज़ किस तरीके से लॉ ऑफ टेक्निक को यूज़ करते हुए, क्लीम मंत्र के मैग्नेटिक पावर को यूज़ करते हुए आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प कैसे करता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आपको कुछ भी पूछना हो इस टेक्निक के बारे में या फिर किसी और टेक्निक के बारे में भी क्लीम मंथ से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके पूछें। तब तक के लिए।